जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022, आधार कार्ड भर्ती 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। UIDAI की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकलती है, जो कि जिसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ 26 अगस्त 2022 है। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे मिलेगी। दो तरह की वैकेंसीज निकली हुई है, सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क की। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 12th क्लास पास की भी है और ग्रेजुएशन वाली भी है। ग्रेजुएशन के लिए आपको सभी को पता है, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो और साथ ही साथ क्लर्क के लिए भी हो, तो ये दोनों वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1000 से ज्यादा, 1224 या 25 के आसपास ये वैकेंसी है, यानी कि एक तरीके से बम्पर वैकेंसी बोल सकते हैं। आधार कार्ड रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन नीचे लिंक दे रखा है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे UIDAI रिक्रूटमेंट 2022 के। आधार कार्ड विभाग में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। UIDAI की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आधार कार्ड जो बनाते हैं वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है, उस विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। किन किन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क के पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 1225 हैं। जी हाँ दोस्तों, 1225 वैकेंसी है। 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो क्लर्क पोस्ट के लिए। संपूर्ण भारत में ये वैकेंसी 26 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट 26 अगस्त 2022 है, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है आपको, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, पंजीकरण करना है, उसके बाद में जिस भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। शुल्क आपको अदा करना है जो भी रहता है। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आप रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो, 12th क्लास या ग्रेजुएशन की जो भी आपकी मार्कशीट है वो लगेगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, इसके अलावा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज जो भी रिक्वायर होते हैं वो सारे के सारे इसमें लगेंगे। इसके अलावा नीचे यहाँ पे मेरिट सूची आपकी जो भी मतलब अंकों के आधार पर रहेगी, जो भी आप अंक प्राप्त करते हो उसके आधार पर मेरिट सूची आपकी बनेगी। 40 वर्ष से अधिक आप होने नहीं चाहिए 1/7/2022 को, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आप 40 वर्ष से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल की छूट है, वहीं 3 साल की OBC वालों को और 15 साल की यहाँ पे विकलांग है तो उसको यहाँ पे छूट दे रखी है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको पत्र यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हो आप। क्लर्क के लिए 12th क्लास पास, वहीं सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन पास आपका होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर सैलरी की बात करें, ध्यान रखना सेक्शन ऑफिसर के लिए सैलरी 40,000 प्लस है, यानी कि 42,000 के आसपास आपकी सेक्शन ऑफिसर की पहले स्टार्टिंग महीने की सैलरी है, जिसमें हो सकता है शायद यहाँ पे इंटरव्यू ले लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसका क्लियर नहीं है, आपका मेरिट बेस रहेगा। इसके अलावा क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे सैलरी जो रहेगा वो 36,000 के आसपास रहेगा, TAD अलाउंसेस जो भी मिलता है वो मिला के। तो ये इसकी नोटिफिकेशन नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।